ये देखिए, हम चार भाई बहन, 3 फीट का भी नहीं होगा ये बेड और उसी पे लेटे पड़े हैं। और अभी हमारा आशु और इन तीनों का ना रिजल्ट है। मैं तो भाई पास हो चुकी हूँ, मैं कभी फेल हुई नहीं, चाहे नंबर कैसे भी आए फेल नहीं हुई हूँ मैं। ग्रेस देकर पास हुई हो ग्रेस तुम भी नहीं तो। मिला यार, ऐसी भी बेइज्जती ना कर, ग्रेस भी नहीं मिला है मुझे। तो हम लोग ऐसी वार्तालाप कर रहे थे हम चारों, तो उसके बाद ये आशु अपना कुछ इंटरव्यू दे रहा कि पढ़ाई कैसे करते हैं। तो बताइए आशुतोष कैसे करते हैं, देखो दीदी, शकल तो दिखाइए, अरे इंटरव्यू लेने शकल, वालों का शकल भी तो दिखता है। हम FM रेडियो वाले भैया इंटरव्यू दे प्लीज रहे। बदतमीजी नहीं, अब अरे बाल दाढ़ी बढ़ रखी ना। कुछ नहीं होता, अरे कुछ भी नहीं होता। अरे ना देखो, अब ना रिजल्ट दिखाओ। आने वाले हैं। मैं अप्रैल में तो ना सही आ रही बहुत आप, बहुत सारे बच्चे ना बोलेंगे, मतलब बहुतों के ना कम मार्क्स आएंगे, ठीक और सबसे है। ज्यादा बच्चे बोलेंगे कि मैम बच्चों से चेक और नहीं करती, नहीं, और बहुतों बोलते के हैं। एवरेज भी आएंगे। टॉपरों की तो बात ही छोड़ो, टॉपर की, टॉपर से तो हम बात ही नहीं करते, छोड़ो टॉपरों की टॉपर बात, तो नहीं, ठीक है। तो जो एवरेज और जो टॉपर बिलो तो नहीं बच्चे हूँ, हैं लेकिन हम उनकी सेकंड बात आती करेंगे। हूँ। शुरू में ना अप्रैल में वो कहेंगे, अरे मम्मी इस बार कम मार्क्स आ गए, अब ना अप्रैल से ही मेहनत करनी है, अप्रैल से ही पढ़ूंगी, अगली बार तो फर्स्ट आकर अरे दिखाऊंगी। पढ़ूंगा भी तो क्या बोल, हाँ वही पढ़ूंगा पढ़ूंगा। पढ़ूंगा। हाँ जैसे कि ये सिद्धि सिद्धि भी ना 31 तारीख को बोलेगी कि हाँ, हाँ तो ये सिद्धि भी बोलेगी कि मम्मी अब तो अगली बार मैं फर्स्ट मैं ऐसा आऊंगी, बोलती नहीं क्योंकि बट इस बार इसे रहने अपने दो, ऊपर भरोसा ही नहीं है, बोलेगी ठीक है। कैसे। नहीं बहुत ज्यादा है ना, इसलिए मैं और बोलती नहीं। मैं तो खैर हो ही जाता हूँ पास, मेरी क्या करना, मैं ठीक है। पकड़ती और चलो ना चारों आ रहे। अब अप्रैल से ना 6 महीने कब बीत जाएंगे, अगस्त और सितंबर कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा बच्चों को। फिर बोलेंगे अरे 6 महीने बचाए, 9th 10th 11th 12th वाले तो बोलेंगे कि 6 सब्जेक्ट है ना, एक एक महीने में निपटा देंगे 6 सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद 12 हफ्ते बच गए पेपर के, पता भी नहीं चलेगा बच्चों को। फिर बोलेंगे कि अरे 12 हफ्ते, 2 हफ्ते में एक सब्जेक्ट कौन नहीं कर सकता, आराम से सब कर लेंगे। फिर धीरे धीरे पेपर के 6 दिन बचते हैं। फिर जो बैक बेंचर होते हैं ना वो बोलेंगे, अरे एक एक दिन में तू एक सब्जेक्ट नहीं कर सकता क्या, आराम से कर लेंगे, पूरे दिन भर पढ़ेंगे। पूरे दिन भी चला जाता है फिर। फिर पेपर से एक दिन पहले, अब यार 24 घंटे ही बचे हैं कैसे करेंगे। मैंने वीडियो देखी है। अरे 6 6 चैप्टर आ रहे 24 घंटे में, 2 घंटे में तू एक चैप्टर नहीं कर सकता क्या, बताओ, 2 घंटे में एक चैप्टर नहीं कर सकते, और वो 24 घंटे भी कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते। फिर आ जाते हैं पेपर, फिर आ है जाता है पेपर, और हमारे हाथ में पेपर। मिलता है क्वेश्चन पेपर। फिर क्वेश्चन पेपर का एक एक क्वेश्चन देखते हैं, अरे ये कब पढ़ाया, ये तो हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं। अरे ये वाला क्वेश्चन, ये चैप्टर तो सर ने हमें खोल के भी नहीं दिखाई, ये सिर्फ हमारा डायलॉग होता है। एक्चुअली में सर पूरा पढ़ा चुके होते हैं, सर या मैम जो भी है। ना हमें 2 चैप्टर नहीं पढ़ा रखे थे। हाँ बकवास बंद। तो गाइज इसने जो भी स्टोरी बताई वो सिर्फ अपनी बताई है, ये अरे तो हमारी तेज बच्ची है। मैं फर्स्ट आता हूँ क्लास में। ओ भाई पीछे से मैं फर्स्ट और थर्ड भी नहीं आती, मैं सेकंड आती भाई मैं सो रखा हूँ इस ये देखो और ये इसका जगह देखो, और ये आंसू की लाइब्रेरी, अपने बुक को ना अपने बेड के पास ही रखता है, वो भी इसलिए ताकि इसको उठना ना पड़े, ये इतना आलसी है, है? ठीक है इधर उधर ना जाना पड़े, संडे मतलब वाले दिन बुक्स इसी लेने बिस्तर के में लिए। रहता हूँ पूरे दिन भर। हाँ संडे वाले दिन इसी बिस्तर में झूठ बोल रही है। बहुत तो पढ़ता हूँ ना बेचारा, उठने का भी टाइम नहीं मिलता, हाँ क्या वैसे ही भी करूँ। लास्ट अरे के 6 महीने, अभी बोल अभी तो अप्रैल है, अभी तो पूरा ऐसे मार्च करो तक पढ़ ही लेंगे। सबसे ज्यादा मेरे चमक रहे। तुम आपने कॉलगेट किया आपके है, टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, बधाई हो आपका व्रत व्रत टूट गया। अरे हाँ यार ये लॉजिक तो कभी लगा ही नहीं। टूथपेस्ट में ना नमक नहीं होता, वो होता है बेस होता है उसमें, और ना पानी पेट में एसिड होती है ना, तो एसिड वो बाहर आता है, दांत में ना जो कीटाणु होते हैं उनको ना मारता है,
अरे हो गया, और वो बेस लखंड नमक गया, नमक वाला टेस्ट आता है। हो गया, करेक्ट करेक्ट, हो गया। मैंने पढ़ा है ना मैंने यूट्यूब बाबा से पढ़ा है। कौन है यूट्यूब बाबा? यूट्यूब बाबा जो फोन में होता है। अरे कोई यूट्यूब बाबा का चैनल नहीं है। तो ये क्या है फिर, यूट्यूब बाबा? अरे वो यूट्यूब बाबा मीन्स यूट्यूब। ओके यूट्यूब, यूट्यूब गाइस, यूट्यूब। तो ये रही हमारी पक पक जो खत्म हो चुकी है। कैसी लगी आपको हमारी पक पक? अगर हमारे हमारी पक पक आपको अच्छी लगी तो हम नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाएंगे। इसलिए इसमें खूब ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करना, और फिर हम दोबारे पक पक जरूर सुनाएंगे आप लोगों को। ठीक है बाय गाइस। जिसका इस बार रिजल्ट खराब हुआ हो कोई बात नहीं, 6 महीने अगली बार अच्छे से पढ़ना। 6 महीने, 6 महीने बाद अप्रैल से मेहनत करना, 12th और 10th में अच्छे मार्क्स आएंगे। जो भैया ने बताई वो टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करना, जो भाई जो इस भैया बोल रही मैं भी जो इसने बेटा बताओ जो इसने बताया ना वो ट्रिक्स बिल्कुल फॉलो मत करना। एक्चुअल में अरे 6 चैप्टर है, 24 घंटे में नहीं हो सकते क्या? 6 सब्जेक्ट है, चैप्टर नहीं है तो यार ये लोग अब मुझे परेशान कर रहे हैं, इसलिए बाय बाय। मिलते हैं न्यू पक पक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।